विधिक सेवा प्राधिकरण भिलवाड़ा ने बढ़ते कोविड खतरे को देखते हुए जिला कारागृह में औचक निरीक्षण के लिए एक टीम पहुंची। प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार दवे के नेतृत्व में टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर तय गाइडलाइन की पालना कारागृह में हो रही है या नहीं, इसको भी लेकर समीक्षा की। इस दौरान जेल प्रबंधन द्वारा कोविड से बचाव के लिए बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी जुटाई। इसके बाद टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर बंदियों से चर्चा भी की। इस दौरान जेल चिकित्सक अभिषेक शर्मा सहित मौजूद रहे। प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार दवे ने कहा कि जेल का आज निरीक्षण किया है, जेल प्रशासन से चर्चा हुई और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर भी बात की गई। जेल में बंद ऐसे बंदी जिनके पास में आधार कार्ड या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें वैक्सीन कैसे लगाई जाए इसको भी लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कारागृह अधीक्षक जगदीश प्रसाद ने कहा कि जेल में इस समय 350 कैदी हैं और अभी कोविड से कोई भी संक्रमित नहीं है। कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों ने थोड़ा जी सर, अभी जिला कारागृह में कुल कितने कैदी हैं और कोरोना को बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी जिला कारागृह भीलवाड़ा में आज की तारीख में 331 बंदी निरुद्ध हैं, जिसमें 10 महिलाएं हैं। और कोरोना से बचाव के लिए जो सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और हमारे विभाग की जो भी गाइडलाइन है, उन सभी गाइडलाइन का हम पालना कर रहे हैं। यदि कोई सस्पेक्टेड होता है तो उसको अलग से रखते हैं और जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम जेल के अंदर किसी बंदी को एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक हमारी जिला कारागृह भीलवाड़ा जेल है वो कोरोना से बची हुई है। आज जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि कैदियों के अंदर किसी प्रकार की कोविड-19 के संक्रमण की संभावनाएं तो नहीं है। जेल के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक है, मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग के जरूर कुछ इश्यू है, उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अभी जेल के अंदर किसी प्रकार के संक्रमण की प्रथम दृष्टया कोई संभावनाएं नज़र नहीं आई है। मैंने यहाँ के जेल के जो चिकित्सक हैं और जो कारापाल हैं उनके साथ भी इस बारे में चर्चा की है। इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा कि जेल जिस प्रकार से अभी संक्रमण रहित है उसी प्रकार से ये संक्रमण रहित ही रहे। जेल में वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाएगा? हाँ, ये प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कुछ परिपत्र जारी किए हैं, भारत सरकार के भी कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो ये देखना है कि जिनके आइडेंटिटी नहीं है, जिनके आधार कार्ड नहीं है, उनको भी किस प्रकार से वैक्सीनेशन कराया जा सके, इस पर कार्य किया जा रहा है।